वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लाग आई होप के आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे अलहमदुल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम फाइनली ट्राइंग माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट विद माई व्लॉग्स सो आज का ब्लॉग इज गोइंग टू बी अबाउट माई फुल डे रूटीन और उसके अलावा जो भी ईटिंग पैटर्न मैं फॉलो कर रही हूँ और अब जो है मैंने इंटरमीडेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी है सो so मैंने तीन दिन की जो डाइट की थी जिसका मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था उसमें आई लॉस्ट अराउंड टू के जीज़ तो मुझे जो है एक मोटिवेशन मिल गई थी बट ऑफकोर्स वो वाली रूटीन और वो वाली डाइट मैं ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं रख सकती बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी एंड आई डोंट रिकमेंड दैट कि आप तीन से चार दिन से ज़्यादा करें सो so, उसके बाद ये था कि मुझे एक मोटिवेशन मिल गई थी और एक ट्रैक जो है मेरा थोड़ा बहुत सेट हो गया था कि येस आई नीड टू लूज़ वेट एंड आई हैव टू बी हेल्दी एंड आई नीड टू मेक श्योर कि मेरा एक हेल्दी रूटीन सेट हो जाए बट ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है जब आप इतने अर्से बाद दोबारा से जो है अपनी हेल्दी रूटीन सेट करने की कोशिश कर रहे हो सो so, फ्रेश होने के बाद लाइक like, पहले जैसे मेरी रूटीन थी मैं सुबह उठ के अच्छा खासा पानी पीती थी अच्छा मेरा वाटर इनटेक भी बिल्कुल कम हो गया था जब मैं मतलब इधर उधर जहाँ पर भी ट्रैवल वगैरह थोड़ा बहुत हम कर रहे थे तो उसके बाद जो है बाहर मौसम इतना अच्छा है अलहमद कराची का मौसम बहुत बहुत बेहतर हो गया है और मौसम हमेशा जो है ना क्लाउडी होता है ज़्यादातर सो यहाँ पे साढ़े चार बजे पाँच बजे तकरीबन मेरा जो है फास्टिंग विंडो खत्म हो जाती है सो मैं अपनी फर्स्ट मील लेती हूँ साढ़े चार पाँच बजे सो वैसे तो अगर कुछ भी जो भी बना हुआ होता है घर में आप वो भी ले सकते हैं पोर्शन कंट्रोल में हाफ़ रोटी ले ले और जो भी सालन बना है वो ले ले। बट मेरा ये होता है कि मुझे होता है कि थोड़ा प्रोटीन सुबह में मैं लूँ फिर बाकी दूसरी मील में जो भी खाना बनाओ घर में मैं वो खा लूँ सो so, यहाँ पे मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राइड एग बनाया और उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस अच्छा और जो है चाय मैं जो है अब आधे से एक घंटे बाद लेती हूँ साथ नहीं लेती हूँ सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आप जो है ना बेबी स्टेप्स लें क्योंकि टाइम लगता है आपको सेट होने में तुम्हें किस ने किस लड़की ने हाँ जी हामिद ही है मुझे <laughs> तो बस छोटे छोटे हैबिट्स चेंज करें तो यू विल सी द रिज़ल्ट और टाइम लगेगा मैंने भी अपने आप को तीन महीने का अभी टाइम दिया है कि मुझे थ्री मंथ्स में स्लोली अपना वेट कम करना है मैं कोई भी हार्श डाइट नहीं करूँगी क्योंकि जो है एक तो मेरा लो बी पी का मुझे प्रॉब्लम है सो तो इसलिए भी नहीं करूँगी बाकी वैसे भी आई डोंट वॉन्ट एनी हेल्थ इशूज़ वेट कम करने के चक्करों में तो आराम आराम से करेंगे और मैं इनशाला आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी सो तो यहाँ पर जो है मेरे कजन की बर्थडे थी तो उसके लिए कुकीज़ आए थे और हम उसको तंग कर रहे थे कि किसने भेजें किसने भेजें सो so, यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने कुकी का हाफ़ बाइट या हाफ़ कुकी मैंने खा लिया था अच्छा मैं इतना ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी और ना मैं कर सकती हूँ और ना करना चाहिए हमेशा जो है आप जब इंटरमीडियन फास्टिंग करते हैं तो आप पोशन कंट्रोल में सब चीज़ें खा सकते हैं चाय वग़ैरह पीने के बाद मैं इतना बोर हो रही थी तो मेरी कज़न जो है वो अपना यूनिवर्सिटी का कुछ काम कर रही थी तो मैंने उसको बोला चलो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ सो so, यहाँ पर फिर मैंने उसका जो भी ड्रॉइंग वगैरह थी थोड़ी बहुत वो बना दी थी और थोड़ा बहुत जो भी रिटर्न वर्क था वो मैंने कर दिया था क्योंकि मैं तो इतनी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ तो मैंने उसको बोला कि मैं तो दो पेजेस लिख के ही थक चुकी हूँ तुम अपना दोबारा कंटिन्यू कर लो उसके बाद रात में जो है सिंस मेरे कज़न की बर्थडे थी सो वी थाट कि हम कहीं बाहर जाते हैं बर्गर वग़ैरह खाने के लिए सो so रात के टाइम हम सब लोग गए बर्गर खाने सो वी वेंट टू सेवेंटी फाइव डिग्री क्योंकि और कुछ खाने का मूड नहीं था प्लस हमें बर्गर ज़्यादा पसंद है सो so जब हमें कुछ भी नहीं समझ आता ना तो हम कहते हैं कि चलो बर्गर ही खाते लव बर्गर्स और पिज़्ज़ा से ज़्यादा हमें बर्गर्स पसंद हैं तो हम हमेशा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बर्गर ही खाते हुए नजर आते हैं सो so हम यहाँ पे गए थे इनका बर्गर ट्राई करने के लिए और रिव्यू और सारी जो इसकी रील है वो मैंने इंस्टा पे पोस्ट की है सो अगर आपने मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना मेरे चैनल को वो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अच्छा बर्गर जब आए थे इसके साथ हमने फ्राइज़ वग़ैरह भी ऑर्डर की थी बट मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई उसका उसके बाद हम घर आए और घर आके जो है हम लोगों ने केक मंगवाया और फिर उसकी बर्थडे का केक कट किया और जो है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को जो है मेरे रूटीन ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं प्लस जो भी मैं डाइट वगैरह का इन आगे भी सब चीज़ें शेयर करूँगी सो so डू लेट मी नो उसके बाद जो है इतना सारा क्योंकि खाना खा लिया था बर्गर भी खा लिया था केक भी थोड़ा बहुत खा लिया था तो हमने सोचा कि ग्रीन टी पीते हैं अच्छा मेरी कज़न भी जो है वो इंटरमीडियन फास्टिंग तीन महीने से कर रही है तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा वेट कम हुआ है तो उसके लिए और अपने लिए मैं यहाँ पे ग्रीन टी बना रही थी और ग्रीन टी वैसे मैं पीती रही हूँ बिल्कुल काफ़ी टाइम से मैंने ग्रीन टी छोड़ी हुई है क्योंकि ग्रीन टी कोई बहुत अच्छा मतलब इट्स नॉट सो हेल्दी तो मैं इसकी जगह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि या तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ या फिर जो अजवाइन या सौंफ या इस तरह के जो कहवे होते हैं ना वो आप ले लें ऑल्सो गाइज अब मुझे जो है ना अब एक दो दिन आपको लगते हैं सेट होने में सो so, जब मेरा फास्ट इंटरमीडियट फास्टिंग जब मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट की तो मैं अराउंड सेवन सेवन थर्टी जो है वो अपनी ईटिंग विंडो बंद कर देती हूँ सो so, उसके बाद जो है ना आपको जो सही भूख लगती है और क्रेविंग्स होती है ना वो तकरीबन बारह साढ़े बारह लाइक like मिड नाइट बहुत आपको क्रेविंग्स होती हैं और वही टाइम होता है जब आपने अगर आपने आपको कंट्रोल कर लिया ना तो ट्रस्ट मी एक दिन की गेम होती है मुझे लगता है और दूसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी बॉडी जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने लग जाती है तो इन अ वीक आप सेट हो जाते हो उस रूटीन में लेकिन जो फर्स्ट आ, कुछ लोगों के लिए पहला दिन मुश्किल होता है कुछ लोगों को दो तीन दिन लगते हैं तो मुझे जो है ना एक से दो दिन बस लगते हैं उसके बाद ग्रीन टी वगैरह पी और रात में जो है इतनी मज़े की थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी कराची में वैसे ही बहुत कम बारिश होती है तो मौसम लेकिन अच्छा है उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और नेक्स्ट इसलिए मेरी अम्मा ने जो है अपना द वेरी फेमस चाइनीज़ बनाया था जो मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में शेयर किया है मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था इसकी रेसिपी का भी लेकिन मैं ट्राई करूँगी इन कभी अगर मौका मिला तो मैं शेयर करूँगी सो so, हमारा बहुत दिल था चाइनीज़ का इवन तो हम लोग डाइट कर रहे हैं इंटरमीडियन फास्टिंग भी कर रहे हैं लेकिन हमने कहा कि अब बना है तो खाना तो है तो मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया था सो so, यही जो है मैंने दो टाइम खा लिया था खाने में और बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में अच्छा और आप अगर चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हर मील के ना ट्वेंटी थर्टी मिनट्स के बाद आप ग्रीन टी या फिर गर्म पानी लीमू डाल के पी लें और साथ में आप वॉक करें मैं वॉक भी कर रही हूँ अब मैंने स्टार्ट कर दी है तो वर्कआउट्स भी मैं स्टार्ट करूँगी जो सब चीज़ें मैं आपके साथ इन फ्यूचर शेयर करूँगी खाना वगैरह खाने के बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत अपना जो भी सामान वगैरह था वो सेट किया क्योंकि मेरी सारी चीज़ें बहुत स्कैटर्ड हुई हुई हैं बहुत इधर उधर सब सामान हुआ हुआ है थोड़ी सी पहले स्किन केयर की शावर लेके फ्रेश होके और स्किन केयर मेरी बहुत बेसिक है क्योंकि मैं अभी डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी गई थी उसने मुझे काफ़ी सारी क्रीम्स वगैरह के दी बट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं मंगवाया क्योंकि पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा ऐसा कुछ भी अपनी स्किन पे अप्लाई करने का मुझे ऐसा लगता है आप अपनी स्किन को कुछ टाइम अगर छोड़ दो ना बिल्कुल ही उसके ओन पे तो वो हील हो जाती तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा